डलहौजी पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई और हमने कर लिया अपने होटल में चेक इन। अब चलते हैं बाहर। 7:30 बज चुके हैं और अभी सनसेट हो चुका है, और सनसेट के टाइम डलहौजी कुछ इस तरह दिखता है। चलिए आपको मॉल रोड दिखाते हैं यहाँ की। भाई अभी मॉल रोड एंटर ही हुए हैं और क्रेज तो देखो, गुलाब जामुन का इतने सारे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही बेच रहा है, बहुत सारे बेच रहे हैं और वो भी अलग अलग किस्म के गुलाब जामुन। अलग ही लेवल का चल रहा है भाई यहाँ पे। चलो भाई, डेजर्ट तो अपना सॉर्टेड लग रहा है, अभी चलते पहले आगे। यहाँ पे डलहौजी में वर्चुअल गेमिंग का कल्चर काफी बढ़ रहा है। देखिए अब इन मोटे मोटे चश्मों के अंदर ही क्या देख रहे हैं वो तो यही जाने। वर्चुअल गेमिंग काफी पॉपुलर हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं मॉल रोड में और क्या क्या है। सिर्फ डलहौजी नहीं बल्कि पहाड़ों की कोई भी मॉल रोड अगर आप चले जाएं, आपको गर्मा गर्म कोयले पे भुट्टा सेकते हुए जरूर मिल जाएंगे। एक अंकल जी यहाँ पे भुट्टा सेकते हुए दिख गए और बस हम वहीं रुक गए। आगे सुनहरा भुट्टा सेक रहा था और पीछे किसी ने एकता के ऊपर कबूतर रख दिया था। कुछ भी चल रहा है भाई पहाड़ों में। कमिंग बैक टू द भुट्टा, नमक नींबू लगा के कॉर्न के पत्ते पे सर्व करके ये भुट्टा पड़ा हमें 30 रुपए का। चलिए ट्राई करके बताते हैं। मस्त है एकदम। आप जब भी मॉल रोड आओ भुट्टा मिस मत करना। यहाँ पे मॉल रोड में आप इस तरह के वुडन कारीगरी भी परचेज कर सकते हैं। भैया ये दुकान का नाम क्या है? दयाल शॉपिंग कॉर्नर। दयाल शॉपिंग कॉर्नर, अच्छा तो कितने साल पुरानी है? अबाउट 35 ईयर्स। अच्छा, हमने ये बाउल लिया है और ट्रे का सेट लिया है। बाउल ये कितने के थे? 120 पर पीस। एंड ट्रे 150। ओके नाइस। तो ये हम लेकर जा रहे हैं मॉल रोड में। आपको अगर सॉफ्टी खाने का मन है ना, तो ये जगह बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपकी विश पूरी करने वाली है, क्योंकि ये देते हैं जी रेनबो सॉफ्टी, जिसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल करके भी देते हैं। लेकिन इसके लिए खर्च करने पड़ते हैं आपको 50। ये आ गई हमारी रेनबो आइसक्रीम। चलिए ट्राई करके बताते हैं रेनबो सॉफ्टी कैसी है। स्ट्रॉबेरी का, थोड़ा सा चॉकलेट का, वेनिला का और पाइनएप्पल का बढ़िया फ्लेवर आ रहा है मिक्सअप। बहुत सही चीज़ है। अगर आप कभी भी डलहौजी के मॉल रोड पे आए तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही कलरफुल है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके बाद हम गए क्वालिटी रेस्टोरेंट, जिसके लिए हमें आधे घंटे की वेटिंग करनी पड़ी थी। बट सिंस इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972 तो ट्राई तो करना बनता था। शुरुआत करी हमने टोमेटो सूप से, जिसको हमने 1/2 कराया था और क्या गजब सूप था यार। सूप के बाद आ गया हमारा मेन कोर्स, जिसमें हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर, पीली दाल और उन दोनों को कंपनी देने के लिए प्याज, नींबू और हरी मिर्च। और हाँ, इन सबको समेटने के लिए हमने तंदूरी बटर रोटी भी मंगाई थी। चलिए ट्राई करके बताते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई पनीर खाया एंड मज़ा आ गया। थोड़ी बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैंने दाल का भी चम्मच उठाया और ट्राई करके देखा। दाल गर्म थी एंड सही बताऊँ तो इस पूरे ट्रिप की सबसे बेस्ट दाल लगी मेरे को ये। अब पहाड़ों में और पहाड़ी मिर्च मिस कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक हरी मिर्च का बाइट लिया, समझ नहीं आया। मैंने सोचा एक और बाइट लेते हैं, एक और बाइट लिया, तब करंट दौड़ा और फिर मुझे एक ही जगह जाना बाकी रह गया था। टैन टैन टैन, पहुंच गया मैं गुलाब जामुन खाने। अब सीन क्या है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। ये भैया देते हैं 50 के 10 पीस ये छोटे वाले गुलाब जामुन, जिसपे मेरा दिल आ चुका था। अब इतना खाने के बाद मेरे को इतनी भूख तो थी नहीं, तो मैंने उनको बोला कि भैया थोड़ा सा देख लो यार, कुछ कम हो सके तो, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने 30 के मेरे को 6 पीस गुलाब जामुन दे दिए और मैं खुशी से उछल पड़ा, लिटरली उछल पड़ा। अब आता है सबसे फेवरेट पार्ट, इसे खा के दिखाना। सच में एक स्वीट एंडिंग है आज के दिन की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में।
Thank you.